जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही एक अच्छी खबर के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। नए गाड़ियों की खरीद पर दोस्तों नया नियम आ चुका है। आने वाले नए साल से दोस्तों ये सुविधाएं दोस्तों ऑल इंडिया में लागू हो जाएंगी। और दोस्तों आपको बता देता हूँ कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दोस्तों दिल्ली में ही शुरुआत कर दी गई है। और दोस्तों काफ़ी सुविधाएँ दोस्तों काफ़ी राहत देने वाली हैं। और जिन जिन व्यक्तियों को ये सुविधा दी गई है उनसे जब बात किया गया तो उनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है और इस नए नियम की काफ़ी ज़्यादा सराहना और तारीफ हो रही है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि नया नियम है क्या नए गाड़ियों की खरीद पर। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। बिना वीडियो को स्किप किए हुए लास्ट तक इस वीडियो को देखिए आप लोग। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव ट्रांसपोर्ट सेक्टर की सर्टिफाइड खबरें आपसे फ्यूचर में मिस ना हो। नए चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, वहां पर भी जानकारी आपको मिल रही हैं। आप पीछे ना रहें, नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नए चैनल का लिंक दे रखा है। इस वीडियो को दोस्तों आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके ही इस वीडियो को देखिए आप लोग। आइए बताते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कि नया नियम क्या कहता है। तो दोस्तों नए सत्र से यानी कि जनवरी के बाद में दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में यह नियम लागू होने वाला है। तो इसके बारे में आपको जानकारी तो होनी ही चाहिए। और सबसे पहले दोस्तों आपको इस चैनल पर जानकारी मैं देने वाला व्यक्ति हूँ, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक आप करना फर्ज बन जाता है। आइए दोस्तों बताते हैं। देखिए अब आप लोग अगर नए व्हीकल को बाय करते हैं तो आपको पता ही है कि अब नया नियम यह ऑलरेडी नए व्हीकल के ऊपर लागू होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर गाड़ियों को ख़रीदते हैं तो आपको पता ही है वहां पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह डीलर लेता है। बाद में वो आवेदन करता है, आवेदन करने के बाद एक महीने, दो महीने, किसी किसी केस में दोस्तों तीन महीने तक टाइमिंग लग जाती है आपका नया नंबर आने में, आपको आरसी मिलने में, यानी कि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है आरसी होती है। तो आरसी दोस्तों आपको मिलती है काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग के बाद में, जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है व्हीकल का तब। तो यही में दोस्तों प्रक्रिया में चेंजेस किया गया है। खुद दिल्ली में दोस्तों ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्रीमान श्री कैलाश गहलोत जी ने दोस्तों इस नए नियम की शुरुआत की। उन्होंने स्टैंड आरसी इन हैंड दोस्तों कस्टमर को सौंपी है। आप चैनल के माध्यम से दोस्तों इस जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं। और साथ साथ दोस्तों आपको हम उस फुटेज को भी दिखा देते हैं, आप फुटेज देख सकते हैं जब इंस्टेंट आरसी डिलीवर हो रहा है। तो अब दोस्तों नए नियम के तहत आप जब अपनी गाड़ी को बाय करेंगे तो एजेंसी में ही डीलर खुद इंस्टेंट आपको आरसी दे देगा। कितनी अच्छी बात है ना दोस्तों, कहीं पर आरसी तो एक महीने, दो महीने, तीन महीने बाद मिल रही है और कहाँ पर दोस्तों आरसी आपको इंस्टेंट यानी कि तुरंत मिल जाएगी। इस सुविधा की शुरुआत दोस्तों दिल्ली में कर दी गई है, बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और दोस्तों नए नियम यही कहता है कि अब दोस्तों अब नई गाड़ी आप बाय करते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे आप लेके जाना है, तुरंत ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। आपको हो सकता है कि एक दो घंटे का वेट करना पड़ जाए, लेकिन उसी दिन जिस दिन आप गाड़ी खरीदेंगे उसी दिन दोस्तों आपको आरसी मिल जाएगा। यह दोस्तों बड़ा नियम है, नया नियम है और काफ़ी सराहनीय नियम है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा झंझटों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। बार बार आरटीओ के डीलर के एजेंसी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे आपको। अगर तुरंत ही आरसी रजिस्ट्रेशन अगर आपका गाड़ी का हो जाता है तो इससे सुविधा बेहतर सुविधा क्या हो सकती है। सभी आरटीओ में दोस्तों दिल्ली में तो यह सुविधाएं आरटीओ के अलावा अब डीलर को भी सौंप दी गई हैं। तो डीलर के पास में अथॉरिटी होगी, अथॉराइज्ड कर दिया गया है कि वो आपको इंस्टेंट आरसी दे। वहाँ पर मशीनें पीवीसी कार्ड को प्रिंट करने की लगाई गई हैं, साथ साथ दोस्तों वो आरटीओ से उसको लिंक कर दिया गया है। जब आप अपनी गाड़ी को ख़रीदेंगे तो उसके दो तीन घंटे बाद में दोस्तों आपको तुरंत नया अप्लाई तुरंत ही किया जाएगा, तुरंत ही इंस्टेंट आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इंस्टेंट दोस्तों पीवीसी कार्ड, जो प्लास्टिक का आरसी वाला कार्ड आता है रजिस्ट्रेशन का, वो आपको इंस्टेंट डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों सुविधाएं काफ़ी बेहतरीन हैं, तुरंत ही आपको आरसी मिल जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इसी बात पर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर आज इस वीडियो में लेके आया हूँ। आने वाले दिनों में दोस्तों यह इंडिया में पूरे लागू हो जाएगी सुविधा। फिलहाल के लिए दोस्तों पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली में लागू हो चुकी है। मैंने आपको फुटेज भी दिखा दिए, कैलाश गहलोत जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने खुद इसकी शुरुआत की है दिल्ली में। और दोस्तों अब आप लोगों के लिए आपको बार बार आरटीओ के चक्कर ना काटने पड़े, आपको टाइमिंग आपको ज़्यादा ना मिले, आप वहां पर चालान से बचें, क्योंकि बहुत सारे लोग का चालान भी कट जाता है एक दो महीने जब तक आपकी आरसी आती है तब तक। तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाली है। तो खबर कैसी लगी नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए कमेंट करके कि क्या गवर्नमेंट की यह मंशा और नया नियम आपके लिए कितना ज़्यादा लाभकारी है और आप इससे कितने ज़्यादा सहमत हैं, आपके विचार क्या हैं, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, अपने राज्य को ज़रूर मेंशन करें, आप किस राज्य में किस डिस्ट्रिक्ट से
इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी बताइएगा, ताकि आप लोगों के लिए राज्यवार खबरें भी आप तक पहुंचाई जा सकें। तो यहां तक आपने वीडियो देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, इंडिविजुअली बात करना चाहते हो डायरेक्टली, तो आप हमसे जुड़िए @TechnicalDialogue जो हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है, वहाँ पर हम पर्सनली 1-to-1 इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं। तो आप जुड़िए, आप हमसे बात करिए इंस्टाग्राम पर @TechnicalDialogue इंस्टाग्राम हैंडल, वहाँ फॉलो कर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉलो करके ही आप हमसे ट्विटर पर भी सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमें टैग करना मत भूलिएगा अपने क्वेश्चन को लिखते वक्त @TechnicalDialogue। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट ग्राउंड मीडिया के PDF सर्कुलर भी मिलते रहें। फेसबुक पर भी हैं, वहाँ पर आपको ईजीएस लगे वहाँ पर भी आप हमसे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक मैं वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ मैं नए वीडियो में, आप नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।